अभी हम आ गए हैं खैबर। ये अभी हम आए हैं रिंग रोड पे होजरा रेस्टोरेंट पे, होजरा पे आए हैं। ये मेन रिसेप्शन है खैबर होजरा। ये है यहाँ पे बाहर बैठने के लिए जगह बनाया है, हुजरा का स्पेशल गड्ढा कबाब। ये रात के टाइम हम आए हैं दोस्तों के साथ। ऊपर भी बैठने की जगह है और नीचे भी जगह बनाई। बहुत देसी टाइप का वो बनाया है। ये कावा का सेक्शन है, पेशावरी स्पेशल कावा। यहाँ पे नीचे कालीन बिछा के बैठने की जगह बनाई गई है। ऊपर भी बैठने की जगह और ये सामने जो है वो किचन का सेक्शन है। इस सीढ़ियों पे लोग जाते हैं, ऊपर भी बैठने की जगह है। कूलर भी लगाए हैं, फैमिलीज के साथ लोग आके यहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भी एक देसी सा माहौल बना है, चरपाइयाँ बना के। वो सामने स्क्रीन भी लगा हुआ है, लोग मैच क्रिकेट मैच भी देखते हैं। लाइव मैचेस जो हो रहे हैं क्रिकेट के वो भी लोग देखते हैं। ये मेन गोश्त का सेक्शन है, यहीं पे कटिंग हो रही है। सफाई का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। देखो फ्रंट साइड पे भी ग्लासेस लगे हुए हैं। फ्रेश मीट यहाँ पे आपको मिलेगा। ये अभी यहाँ नमकीन कढ़ाइयाँ बन रही है। यहाँ पे टमाटर की कढ़ाई है। ये बाहर बैठने की जगह है, ओपन एरिया है फ्रंट साइड। एक देसी सा माहौल बना हुआ है माशाल्लाह, लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। ये बारबेक्यू के लिए केला लगाया है। यहाँ पे ये चॉप्स तैयार कर रहे हैं। बारबेक्यू सेक्शन से हैं, गुजरा रेस्टोरेंट।
ये गुजरा रेस्टोरेंट रिंग रोड पे पेशावर में ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये बारबेक्यू सेक्शन है, चॉम्स बन रहे हैं। ये रेडी होके अभी कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। ये देसी मोर, यहाँ पे देसी मोर बना रहे हैं। ये मसाला ऐड कर रहे हैं मटन के साथ साथ, टिक्का के साथ साथ, देसी कढ़ाई भी, देसी मोर भी यहाँ पे तैयार किया है। ये खैबर हजरा, खैबर हजरा पेशावर रिंग रोड पे, खैबर हजरा रेस्टोरेंट का है रिंग रोड पे जो है पेशावर। यहाँ पे ये देसी मोर बन रहा है, देसी मोर की कढ़ाई बन रही है यहाँ पे गुजरा रेस्टोरेंट रिंग रोड पेशावर। देसी मोर में उसने ये देसी घी डाला हुआ मक्खन में तैयार करते हैं स्पेशल। हाँ, देसी घी में देसी मोर तैयार करते हैं। ये कोकर में क्या कर, अच्छा देसी को पहले, ये देसी मुर्ग को पहले उबालते हैं कोकर के अंदर, फिर उसके बाद इसको कढ़ाई सेक्शन में इसको बना लेते हैं देसी घी में। ये कोकर में पहले इसको उबाल लेते हैं ताकि थोड़ा ये नरम हो जाए, क्योंकि ये सख्त होता है। नरम हो के इसी तरह वो उसकी वो यखनी में रेडी करके फिर उसके बाद ये उनके मसाला जात हैं, मिर्च हो गए, अदरक के लेमन है, ये मसाला जात, और ये दही उसमें डालते हैं। उसके बाद उसमें ये देसी घी है और फिर इसको यहाँ पे कढ़ाई सेक्शन में लगा लेते हैं। अभी ये बकरा है, ये बकरा है, वो भी बकरा है। यहाँ पे ये कबाब का सेक्शन है, यहाँ पे अच्छा ये बारबेक्यू सेक्शन, यहाँ पे फिश को रेडी कर रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं फिश को।
ये लगाया हुआ है यहाँ पे, ये फिश को यहाँ पे ग्रिल करते हैं, यहाँ पे फिश को फ्राई कर रहे हैं। ये भी अब ये रेडी हो गए ना? हाँ रेडी, हाँ ये रेडी हो गए। ये यहाँ पे फिश को ये अभी इन लोगों ने फ्राई कर दिया, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे ग्रिल कर रहे हैं फिश को, तो अब कितनी चॉइस होती है, कुछ लोग फ्राई फिश खाते हैं, कुछ ग्रिल पे खाते हैं। यहाँ ये चकली कबाब रेडी कर रहे हैं, यहाँ पे ये रेडी है कबाब को, यहाँ पे इसके उसको तोल के उसके हिसाब से फिर वो ये कढ़ाई में डालते हैं। ये बारबेक्यू सेक्शन है यहाँ पे, ये सीख कबाब प्लेटर्स के लिए जो आइटम्स चाहिए होते हैं, इसमें मलाई बोटी है, सीख कबाब है और बटेर। प्लेटर्स के जो आइटम्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। ये भी रेडी हो गए हैं, रिप्स प्लेटर में जो डाल रहे हैं, यहाँ पे टिक्का डाल रहे हैं। और यहाँ पे सीखों में गोश्त को डालते हैं, सीखों को रेडी करते हैं, वहाँ ही पे कोयले पे लगा देते हैं। ये भी रेडी हो गया, ये बिल्कुल किचन के फ्रंट साइड पे बैठने की जगह है, बहुत एक प्यारा सा वो बनाया है। यहीं से ऊपर जाके ऊपर भी बैठने की जगह है, ये होजरा रेस्टोरेंट है। वो सामने भी बैठने की जगह है और ये यहाँ का ये मेन गेट है। वो ऊपर भी बैठने की जगह है, ये रेडी हो गया हमारा ऑर्डर लेके आए। बकरा कढ़ाई, बकरे हाँ, बकरे